तो गाइस कैसे हैं आप लोग भाई। आज हम आए हैं नैनीताल में और आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको अपना पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा। अभी मैं ये नैनीताल से शूट कर रहा हूँ पूरा प्रॉपर अपना ब्लॉग। तो भाई वीडियो बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस हम लोग फिर भवाली से एकदम नॉन स्टॉप निकल गए हैं अपने सफर के लिए और आप लोग देख सकते हैं मैं कितने गंदे तरीके से बैठा हूँ। तो प्लीज चलते रहिए और मेरी दुआ जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं। तो कुछ ही देरी पीछे हम लोग भवाली से निकल रहे तो हमने देखे इतने अच्छे अच्छे व्यूज हमें दिख रहे थे। तो मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बहुत जगह व्यूज दिखाऊंगा और ये तो हम जिससे हम चल रहे तब से रास्ते का है। तो गाइस अब हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने बीच में देख लिया होगा हमें कितनी कार मिली, मतलब फुल पैक होने वाला नैनीताल। तो गाइस अब हम लोग उतर चुके हैं अपनी गाड़ी से और अब हम लोग चल रहे हैं पैदल पैदल अपने नैनीताल की सड़कों पे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हैं। तो ये है यहाँ पे नैनीताल का मैप जो आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाया है साइड में और अब हम लोग रोड को क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ से होती है बोटिंग और नैनीताल आए बोटिंग ना करें ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हम आगे करेंगे ब्लॉग में बने रहेगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम चले आ रहे हैं माल रोड पे और हम लोग करेंगे यहाँ पे कुछ फोटो शूट, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये वक्त आ गया हमारी कॉटन कैंडी खाने का। तो आप देख सकते हैं ऊपर है जू, अगर हम लोग को टाइम मिला तो हम लोग पक्का जू जाएंगे और आप लोग को जरूर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी आप लोगों ने जो फोटोज देखे वो अभी हम करके फोटोशूट अभी हमने उनका ख़त्म करा है। तो आप लोग जान सकते हो कितनी मेहनत लगती है एक ब्लॉग को एडिट करने में, उसको बनाने में। तो अगर ब्लॉग पसंद आए वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, जितना हो सकता उतना शेयर करिए, जो भी आपके रिलेटिव दोस्त नैनीताल में रहते हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं। तो गाइस अभी आप जो देख रहे हैं ये है नैनीताल का चर्च। सुना है बहुत ही अंदर से बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो अगर हम लोग के पास टाइम होगा तो हम लोग ज़रूर जाएंगे और आपको ज़रूर दिखेंगे। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च, मैं आपको चर्च का पूरा व्यू दिखाऊंगा अगर उन्होंने अंदर परमिट कर दिया मेरे ऊपर। चलिए चलते हैं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं चर्च में और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये, और ये पूरा का पूरा कैथलिक चर्च है। फिर हम चर्च के बाद आए यहाँ पे और हमने यहाँ पे किए कुछ फ़ोटो शूट और हमने देखा कितना अच्छा नज़ारा है तो हमने किया उसको अपने कैमरा में कैप्चर। फिर उसके बाद चलते चलते हमें लगी भूख तो हमने सोचा खा लेते हैं कुछ खाना। तो हम लोग आए यहाँ पे द मुगलिया रेस्टोरेंट में और हमने यहाँ पे खाया खाना। पर्सनली यहाँ खाना बहुत ही अच्छा था। तो चलिए चलते हैं, खाना चलते हैं और आपसे फिर मिलते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ बनती है रोटी और ये यहाँ पे कुछ अच्छी तरीके से ग्रेवीज़ जो बहुत ही अच्छी थी, देखते हैं मुँह में पानी आता है, ये पूरा पैक था अंदर से। तो गाइस अभी हम लोग खाना खा के आ चुके हैं बाहर और आप देख सकते हैं इस होटल का खाना बहुत अच्छा था। आप लोग जब भी नैनीताल आए ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को ज़रूर 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 लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गाइस यहाँ पे मिली है हमें एक बहुत ही यूनिक सी शॉप और अब हम जा रहे हैं अंदर। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से लैंप्स थे और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे, कैंडल्स भी हैं 10 रुपीज़ 30 रुपीज़ की, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये फ्रेगनेंस वाली कैंडल है, इसको आप जलाएंगे तो खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छी और यूनिक सी शॉप है। आप लोग आएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज़रूर आइएगा जब आप नैनीताल आएँ और कुछ ज़रूर सामान लिएगा यहाँ से।
तो गाइस ये है यहाँ की जामा मस्जिद और आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पे क्रिकेट की पिच जहाँ पे लोग क्रिकेट खेल लेते हैं। और यहाँ पे है दूसरी साइड हमारी एक मार्केट जहाँ पे इतनी भीड़ थी, यहाँ पे सांस लेने तक की जगह थी। हम लोग बिल्कुल साइड में खड़े हुए थे वहाँ पे और हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो गाइस उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं यहाँ बोटिंग करने और कुछ खाली बोट्स भी यहाँ पे इधर उधर घूम रहे थे पता नहीं क्यों, पर यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा रहा था। और आप लोग देखिएगा हमने यहाँ पे बोटिंग करते करते कितने मज़े किए, तो वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। गाइस अब हम आ चुके हैं हमारी बोट के अंदर और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। ये हमारे बोट वाले भैया हैं, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हमने अपनी आधी बोटिंग कर ली और सन इस हमारे मुंह पे, आपको मैं व्यू दिखाऊंगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते होंगे कि हम तीनों की बोट्स एक साथ चल रही हैं, हम लोगों ने रेस भी लगाया, साथ में वाटर फाइट भी कर रहे थे बीच लेक में जहां सब लोगों को डर लगता है और हम लोगों ने बहुत मजे किए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं तीनों बोटें हमारी और तीनों बोटें साथ साथ चल रही हैं और हम लोगों ने बहुत मजा किया पूरी, मतलब हम लोगों ने वाटर फाइट किया। आप लोग देख सकते हैं 1, 2, 3 और ये पूरे भीग चुके थे ये लोग और हम लोग को इतना मज़ा आया तो आप सोच भी नहीं सकते। बोटिंग करके आ गया एकदम मज़ा। आप लोग जब भी नैनीताल आओ तो भाई बोटिंग ज़रूर करना, और ख़ास कर आपका नाम क्या भैया? चंदन। चंदन भैया से ज़रूर करना और एक लक्की भाई से, भाई दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मस्त मज़ा आया। तो आप लोग देख ही सकते होंगे ऊपर यहाँ पे लोग ट्रॉली से एकदम ट्रैवल कर रहे थे, जो ट्रॉली घूमती रहती हैं और हम लोग के टाइम में तब बना था हम वो भी करते हैं, पर तब भी मज़ा बहुत आया। तो गाइस हम बोटिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने पीछे वीडियो में देख ही लिया होगा हमने कैसे करी बोटिंग। तो अब चलते हैं कोई भूटिया मार्केट यहाँ की फेमस है वहाँ चलते हैं और आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने देखा एक अंकल जी यहाँ पे स्केच बना रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस फिर हम लोग टहलते टहलते चल बढ़ते गए आगे, हमने देखा यहाँ पे है एक गुरुद्वारा और फिर हमने देखा कि उसके जस्ट सामने थी वहाँ पे जामा मस्जिद नैनीताल की, फिर हमने देखा वहाँ पे है चर्च और इसके जस्ट यहीं पे इधर वाली साइड पे है यहाँ पे एक टेंपल। तो आप देख सकते हैं चारों चीज़ें एक ही साथ एक ही जगह पर, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस आप सोच ही सकते होंगे नैनीताल आके हमें इतनी अच्छी इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो अगर आपको आना हो और घूमने हिल स्टेशन में सीजन में तो आप नैनीताल आ सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है यहाँ की एकदम फेमस मेन मार्केट, उसका व्यू ये है कुछ। तो गाइस फिर मिल गए आपसे मित्रों, वेलकम बैक टू अबीर तानिक व्लॉग्स, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो ये थी यहाँ की मार्केट जो बहुत ही गलियों में से निकलती है, आप लोग देख ही सकते होंगे, मतलब जो यहाँ की शॉप से उनके बीच में कहीं से पेड़ निकल रहा है कभी कुछ निकल रहा है और बहुत ही कंजेस्टेड मार्केट है ये। तो बस घूमते घामते में टाइम कुछ पता चला ही नहीं और हमारे पास से फ़ोन आता हमारे ड्राइवर अंकल का और वो हमारा वहाँ पर कर रहे हैं वेट, तो हम लोग चलते हैं आपसे मिलते हैं आगे। तो हमने दिया एक शॉर्टकट, चलिए चलते हैं। हम ले रहे हैं अपने रिक्शा के टिकट क्योंकि हम माल रोड तक रिक्शा में जाएंगे, पैर की बैंड बच चुके हैं पूरे पूरे हमारे, चलते हैं। तो गाइस हमने लिए यहाँ से सॉफ्ट केयर ऊपर हाउस ऑफ कैंडी का, तो हमने व्लॉग बनाया है जो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अभी हम जा रहे थे, हमें
हमें रास्ते में मिले एक भैया, अभी आपका नाम क्या है? आपका नाम अजय सिंह। अजय सिंह भैया मिले, ये आ रहे हैं अल्मोड़ा से और जाएंगे लद्दाख तक, आप देखते हैं। तो भैया कितने का टूर है आपका ये? 2 महीने का भैया का पूरा, मतलब ये है आप देख सकते हैं। और भैया का चैनल है AS व्लॉगिंग, तो आप सब्सक्राइब करिएगा। ये मज़ा आया, अब करते हैं भैया को बाय बाय। ओके बाय भैया। फिर हम उसके बाद नॉनस्टॉप आगे बढ़ते गए और हमें दिखी बहुत अच्छी अच्छी फिशेज जो आप लोगों को मैंने दिखाई हैं अभी अपने वीडियो में। तो बस फिर उसके बाद हम सीधे गए अपने घर की तरफ। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।